हेलो एवरीवन, मेरा नाम महक है और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हर गैरेज में एक और फ्रेश वीडियो में। आज हमारे बीच में मौजूद है मारुति की सबसे अंडररेटेड कार XL6। ये इसका जेटा वेरिएंट है। इसमें 2 ही वेरिएंट्स आते हैं जो कि अल्फा एंड जेटा होते हैं। ये इसका जेटा वेरिएंट है। इसमें मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शंस आते हैं। ये वाला मैनुअल है। ये जो आप इसका कलर देख रहे हैं दिस इज नोन एज आर्कटिक वाइट। ये वाला वेरिएंट आपको 9.84 लाख एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे इससे रिलेटेड सभी डिटेल्स के बारे में। चलिए फिर लेट्स बिगिन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ XL6। सबसे पहले मैं हेडलैम्प्स के बारे में बात करना चाहूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्वाड LED हेडलैम्प देखने को मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। एंड कुछ यहाँ पे आपको इसके DRLs देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको इसकी इंडिकेटर की यूनिट देखने को मिल जाएगी। एंड पूरा आप ये यूनिट को देखोगे तो यहाँ पर आपको क्रोम का काफ़ी यूज़ देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। सेंटर में अगर आप इसकी ग्रिल देखोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ प्लास्टिक से फिनिश देखने को मिलती है, काफ़ी प्यारी लग रही है। एंड यहाँ पे अगेन क्रोम का यूज़ देखने को मिलेगा। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है। एंड ये वाली क्रोम की स्ट्रिप अगर आप देखोगे तो ये हेडलैम्प्स तक जाके मर्ज हो रही है, एक अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट कर रही है। बात करूँ इसके फॉगलैम्प्स की तो यहाँ पर आपको LED फॉगलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। इसके ओवरऑल लुक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो कार है ये आपको फ्रंट से बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लग रही है। चलिए बढ़ते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं जो आपको ब्लैक में दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे आपको 185/65R50 का ड्राई सेक्शन देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो कार है बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग थोड़े से छोटे लगते हैं टायर। यहाँ पे आपको जो ORVM दिए गए हैं वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो एंटीना दिया गया आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिया गया है, तो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाता तो मज़ा आ जाता। ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको रूफ रेल्स भी ऑफर किए गए हैं। एंड यहाँ पर आपको क्रोम में डोर हैंडल देखने को मिल जाएंगे। एंड ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेंगे जो कि बहुत अच्छी बात है। नीचे आपको बॉडी क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगी। बात करूँ इसकी फ्यूल टैंक के बारे में तो यहाँ पे आपको 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक ऑफर किया गया है। ये कार आपको एर्टिगा से ज़्यादा लंबी, ज़्यादा चौड़ी और ज़्यादा ऊंची देखने को मिलेगी। एंड ओवरऑल इसके लुक्स काफ़ी स्पॉटी है। लेट्स टॉक अबाउट द रियर प्रोफाइल ऑफ XL6। सबसे पहले आप टॉप पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको वाइपर, डिफॉगर एंड वॉशर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बात करूँ इसके टेल लैंप्स की तो यहाँ पे आपको 3D LED टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूनिक से डिज़ाइन में आपको टेल लैंप दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे आपको रियर इंडिकेटर की यूनिट देखने को मिल जाएगी। सेंटर में यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो दिया गया है। ये वाला पूरा एरिया आपको पियानो ब्लैक सी फिनिश में देखने को मिलता है, सुपर क्लासी लग रहा है। एंड यहाँ पे आपको क्रोम की स्ट्रिप देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको XL6 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग देखने को मिलेगी जो कि फ्यूल एफिशिएंसी में हेल्प करता है। नीचे अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाएंगे। एंड कुछ यहाँ पे आपको इसका स्पेयर व्हील देखने को मिल जाएगा। बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक लेवर दिया गया है, इससे आप ओपन करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे 209 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। 6 सीटर होने के बाद भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा बूट स्पेस दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको लेवर्स दिए गए हैं, इससे आप पुल करके कुछ इस तरह से एंड कुछ इस तरह से सीट्स फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको 550 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा जो बहुत ही अच्छा खासा है। एंड अगर आप सेकेंड रो भी फोल्ड कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे 692 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा विच इज़ प्रिटी मैसिव। लेट्स टॉक अबाउट द ड्राइवर साइड डोर ऑफ द कार। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको कुछ स्टोन सी फिनिश देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसके ऊपर आपको यहाँ पे सिल्वर सी फिनिश देखने को मिल जाएगी। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएगा, 1 बोतल होल्डर दिया गया है। यहाँ पे भी आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे आपको ट्विटर देखने को मिल जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ XL6। सबसे पहले यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा एंड ये टिल्ट फीचर के साथ में आता है। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड कुछ यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको वॉइस कमांड का बटन मिलता है, साथ में यहाँ पे आपको कॉल से रिलेटेड बटन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड कुछ यहाँ पे आपको हेडलैम्प के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। इसका जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है उसमें आरपीएम मीटर एंड स्पीडोमीटर आपको एनालॉग देखने को मिलेंगे, पर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। एंड सेंटर में आपको किलोमीटर्स ड्रिवन एंड फ्यूल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जो आर्मरेस्ट दिया गया है वो स्लाइडेबल है एंड साथ में इसके अंदर आपको एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाएगी। बात करूं कंफर्ट की तो यहाँ पे आपको वेल कुशन एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स देखने को मिलती है। साथ में इसकी सीटिंग अपॉजिटी पे आपको कुछ पैरेलल लाइंस का पैटर्न देखने को मिलेगा, अच्छा लग रहा है काफ़ी। साथ में इसके ऊपर वाइट स्टिचिंग भी दी गई है, बहुत प्यारी लग रही है। इसका जो ग्लव बॉक्स है वो आपको डिसेंट साइज़ का देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको एक सिल्वर सी फिनिश देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। एंड सबसे ज़्यादा मुझे ये जो इसका स्टोन वाला पैटर्न है मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सा लगा, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे भी आपको पैरेलल लाइंस दी गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। जो डैशबोर्ड है उस पर प्लास्टिक यूज़ किया गया, आपको सॉफ्ट टच फिनिश नहीं मिलती, बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको टच इंफोटेनमेंट देखने को मिल जाता है एंड मुझे लगता है कि जो इसका इंफोटेनमेंट है उसमें थोड़े से फीचर्स और ऐड किए जा सकते थे। ऑल्सो मुझे लगता है इसके टच की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी देखने को मिल जाता है, जिसकी कंट्रोल्स की क्वालिटी यहाँ पे अच्छी दी गई है एंड कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे इसके देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको ऑक्स एंड USB की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। एंड अच्छी बात है कि ये कूल्ड है, जैसे ही आप AC ऑन करोगे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी ड्रिंक्स जब भी स्टोर करोगे वो कूल्ड रहेगी। यहाँ पे आपको 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको सनशेड देखने को मिलता है एंड यहाँ पे आपको सनशेड पे वैनिटी मिरर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको लाइट्स देखने को मिल जाती है। इसके ओवरऑल कैबिन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको ऑल ब्लैक थीम में कैबिन देखने को मिलता है। मुझे इसका कैबिन सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड रो ऑफ XL6। तो यहाँ पे आपको 2 कैप्टन सीट्स देखने को मिलेगी। XL6 6 सीटर वेरियंट में ही आती है, इसमें आपको 7 सीटर वेरियंट नहीं मिलता है। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द कम्फर्ट। तो सबसे पहले मेरी हाइट 5'8" है एंड मैंने ड्राइवर साइड सीट को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया है। मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा फर्स्टली तो कंफर्टेबल लगी। अब आप देख सकते हैं नीरू यहाँ पे कितना अच्छा देखने को मिलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी नीरू में। अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिया गया है एंड हेडरूम भी आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है। ये जो सीट्स है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी सॉफ्ट कुशनिंग के साथ से सीट्स आपको दी गई है। एक तो पहले ही यहाँ पे आपको कैप्टन सीट्स दी गई है तो एक रॉयल फीलिंग आती है एंड यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। मैं इन सीट्स पे बैठकर कितनी भी लॉन्ग जर्नीज पे ट्रैवल कर सकती हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। अगेन मैं कहना चाहूँगी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप अपना फ़ोन स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हेड पे आपको AC देखने को मिलता है। अच्छी बात है कि इसके कंट्रोल्स भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं एंड यहाँ पे आपको जो हेडरेस्ट मिलता है वो एडजस्टेबल है, आप देख सकते हैं दोनों ही सीट्स के एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे आपको जो ग्लास एरिया मिलता है बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। फॉर इंस्टेंस सोचिए अगर आप कहीं घूमने जाते हैं एंड वहाँ का जो व्यू है वो बहुत अच्छा है तो आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं इस कार में ट्रैवल करना। ओवरऑल इसका जो रियर कैबिन एक्सपीरियंस है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थर्ड रो में जाने से पहले एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको एक लीवर दिया गया है जिससे आप इसका रिक्लाइन एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको एक लीवर दिया गया है जिससे आप पुल करके इसको फोल्ड कर सकते हैं। और अब मैंने इस सीट को पूरा ही आगे कर रखा है। नाउ मैं थर्ड रो में एंटर कर सकती हूँ। मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही रो की सीट्स को 5'9" हाइट के पर्सन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया है एंड मेरी हाइट फिर भी 5'8" है। उसके अकॉर्डिंग थर्ड रो में मुझे अच्छा नी रूम देखने को मिलता है, थर्ड रो के अकॉर्डिंग नी रूम यहाँ पे अच्छा दिया गया है। हेडरूम मुझे ठीक ठाक सा देखने को मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट ये थोड़ा सा लैग करता है, बट ये सिर्फ इसी कार की प्रॉब्लम नहीं है, जनरली सभी 7 सीटर या 6 सीटर कार में यही थोड़ी सी होती है दिक्कत कि अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा लैग करता है। एंड यहाँ पे इजीली एंड कंफर्टेबली 2 पर्सन बैठ पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको हेडरेस्ट मिलता है, दोनों ही एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। साथ में आपको सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से सीट बेल्ट भी ऑफर की गई है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे आपको कप होल्डर देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको कप होल्डर के नीचे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट देखने को मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 3rd रो में भी अगर एसी मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। ओवरऑल अगर 3rd रो के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो इसका जो कैबिन है वो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिलता है। रिक्लाइन एंगल भी इसका अच्छा दिया गया है एंड इसमें इस सीट्स पर मैं बैठ के आराम से ठीक ठाक सी जर्नी ट्रैवल कर पाऊँगी। XL6 के साथ आपको कुछ इस तरह की की देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक सी की दी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस की को थोड़ा सा अपग्रेड कर देना चाहिए। XL6 में आपको 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 103 bhp ऑफ पावर एंड 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। एंड ये इंजन मैनुअल में आपको 18 टू 19 किलोमीटर पर लीटर एंड ऑटोमेटिक में 17 टू 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल के दे देगा। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट। अगर आप में से कोई भी XL6 परचेज कर रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसका Zeta वेरिएंट ही बाय करिए। इसमें आपको सभी फीचर्स मिल जाते हैं, क्वाड LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिल जाते हैं एंड बहुत ही छोटे छोटे फीचर्स आपको यहाँ पे मिसिंग है, जैसे कि आप रियर पार्किंग कैमरा ले लीजिए, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील या फिर ऐसा कह लीजिए लेदर सीट्स एक्सेट्रा। एंड मुझे लगता है इसके लिए 57,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करना वर्दी नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से आपको इसी वेरिएंट के लिए जाना चाहिए। और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप 10 लाख से प्लस की कोई कार परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एंड ये वाला वेरिएंट आपको 10 लाख से अंडर मिलता है। तो कोई मतलब नहीं बनता कि 57 + 10,000 67,000 आप एक्स्ट्रा स्पेंड करें। मेरे हिसाब से अगर आप XL6 परचेज़ कर रहे हैं तो आपको Zeta वेरिएंट के लिए जाना चाहिए, ये बेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो स्क्रीन पे आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी जाके मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।